से नौकरी व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में दिन ज्यादा अनुकूल नहीं है। यदि आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हो या महत्वपूर्ण फैसले लेने के बारे में थोड़ा समय दें, जहाँ तक संभव हो आज कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। विशेष रूप से भाग्य को आधार मानकर या भाग्य के सहारे कोई भी कार्य ना करें। नौकरी व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां निभाने में आज विलंब हो सकता है या आपके कार्यों में किसी प्रकार की बाधा आ सकती है। सहकर्मचारियों के या आसपास के लोगों के आपके आशा के अनुसार सहकार ना मिलने की वजह से आपके कार्यों में विलंब आ सकता है। शेयर बाजार में निवेश के लिए दिन ज्यादा अनुकूल नहीं है। जहाँ तक संभव हो आज किसी भी प्रकार का निवेश ना करें। दिन के आखिरी दौर में आपको आकस्मिक धनलाभ हो ऐसे सकारात्मक ग्रह योग बने हुए हैं। नौकरी पेशा लोगों को आज ज्यादा आय और बेहतर पद वाला अवसर या विकल्प उपलब्ध हो सकता है। पारिवारिक जीवन अनुकूल और सकारात्मक रहेगा। परिवार जनों से आपके रिश्ते बेहतर बनेंगे। कोई बहुत पुरानी पारिवारिक समस्या समाप्त हो सकती है, किंतु संतान से जुड़ी हुई कोई पुरानी समस्या आज ज्यादा गंभीर बन सकती है और इसे सुलझाने के लिए आपको प्राथमिकता देनी पड़ सकती है। आपका स्वास्थ्य अनुकूल और सकारात्मक रहेगा। शारीरिक तौर पर आज आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो ऐसी संभावना बहुत कम है, किंतु संतान से जुड़ी हुई समस्या के कारण आप कुछ हद तक चिंतित रह सकते हो, तनावग्रस्त रह सकते हो और इसका आपके स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव लाए। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये दिन अनुकूल और सकारात्मक रहेगा। विद्यार्थियों के मित्रों की संख्या में आज वृद्धि हो सकती है। मित्रों के साथ नजदीकी स्थल पर यात्रा हो सकती है। महिला वर्ग के लिए ये दिन अनुकूल और सकारात्मक रहेगा। नौकरी व्यापार व्यवसाय में सक्रिय महिलाओं के लिए दिन बहुत ही सकारात्मक रह सकता है। बुजुर्गों के लिए भी दिन लाभदायी रहेगा। कुल मिलाकर मकर राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन शुभ।